नगर निगम की लापरवाही आज सामने। वार्ड क्रमांक 2 में जगह जगह रास्तों में भरा पानी, मोहल्लेवासी जता रहे विरोध। खबर मध्य प्रदेश रीवा से है, जहां वार्ड क्रमांक 2 में वृंद विहार कॉलोनी में रास्ते में जगह जगह पानी भरा हुआ है, जिससे मोहल्लेवासियों को निकलने में दिक्कत हो रही है। कई बार नगर निगम के अधिकारियों को सूचना दी गई, लेकिन अधिकारी ध्यान देने को तैयार नहीं है। यहाँ रास्तों में पानी भरा जाने के कारण लोगों को निकलने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक मोहल्लेवासियों ने शिकायत वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद से भी की है, लेकिन पार्षद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि बरसात का समय शुरू होने वाला है, लेकिन वार्ड में इस तरह की समस्या काफी गंभीर है। हम आपको सुनाते हैं वार्ड वासियों की जुबानी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा मध्य प्रदेश से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। हमारा नाम है सोमवती कुशवाहा। किस तरह की समस्या आपके वार्ड में आ रही है? बहुत द्वारे का पानी भरा भैया, खा तो सपन है कि हमको दाना खा ले पेट के, तनी गंदगी पूरे रोड में पानी भरा। किस तरह की समस्या आ रही है? बाहर से पानी अंदर जा रहा है भैया, नाली नाली नहीं आता, नाली के कारण अंदर पानी पूरे रोड में भर रहा है। नगर निगम अधिकारियों को सूचना? सूचना तो अभी नहीं। क्या नाम है आपका? उर्मिला कुशवाहा। ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 2। ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है? बिंद विहार कॉलोनी। किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या आ रही भैया, नाली के पानी अंदर जा रहा है और एक दो से हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमरे अंदर आ रहा, हम बोल रहे हैं अंदर आ रहा है। अब पानी जाए तो जाए, कहाँ जाए भैया। नगर निगम को आप लोगों ने सूचना दी थी? सूचना तो दी भैया, कोई सुनाई नहीं है। कितने साल से समस्या है ये? तो 5-6 साल हो गए भैया। अब बरसात का मौसम भी आ रहा है। हाँ, आ तो रहा है भैया। अब पानी अभी भी अंदर जा रहा है, टैंक में जा रहा है पानी। हम बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश कुमार मिश्रा है। क्या समस्या आ रही है वार्ड में आपके? यहाँ घर के अंदर थोड़ा सा बारिश होती है तो घर के अंदर पानी भर जाता है और नगर निगम प्रशासन किसी प्रकार का ध्यान नहीं देता है। कर्मचारी आते भी हैं तो अपना आए गए और चले गए, और बाकी समस्याएं जो होती हैं तो आम पब्लिक को झेलना पड़ता है। कार नहीं निकलती है, गाड़ी नहीं निकलती है, मोटरसाइकिल सोचे कि निकाल ले तो मोटरसाइकिल नहीं निकलती है। बाकी जहाँ भी नजर डालेंगे आप, गंदगी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। बरसात का समय आ रहा है, बरसात का समय अब भी आ गया है और वैसे भी पानी नाली नर्दों का पानी आदमी के अंदर भरता है, नालियों चौक हो जाती हैं। अब तो बरसातें आ गई तो अब तो अंदर भी बेडरूम तक पानी पहुंच जाता है। इसकी शिकायत आपने नगर निगम अधिकारी से की थी? अरे कई बार शिकायत उकायत की गई, लेकिन किसी प्रकार का प्रशासन ध्यान ही नहीं देता तो आदमी क्या करे, थक गया। कौन सा वार्ड है ये? बिंद विहार कॉलोनी वार्ड नंबर 2 है। पार्षद कौन है? क्षितिज मणि त्रिपाठी है। यहाँ के उनके तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा? कई बार उनसे कहा गया, किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। इसी से लगा शिवकंठ नगर वार्ड नंबर 2, वहाँ भी नाली की भीषण समस्या है। रोड तो है ही नहीं, नाली की भयंकर समस्या है। जब बरसात आता है तब नगर निगम की जेसीबियाँ आती हैं, नाली खोद के और चली जाती हैं। हो गया, पानी निकले या न निकले, राम मालिक। क्या नाम है आपका? क्या समस्या आ रही वार्ड में आपके? यहाँ पर पानी भरता है नालियों में, नाली जाम है सारी। कब से है ये? अरे 2-4 साल से है। किसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ पर की थी? नगर निगम में की है तो कोई आता है देखकर चला जाता है। किस तरह की समस्या आ रही है? पानी भर जाता है बरसातों में, गाड़ी वाड़ी जाने के लिए समस्या रहती है, सब यही प्रॉब्लम रहती है। घर में भी भर जाता है पानी, पानी जैसे गिरेगा तो वहाँ पर भर जाएगा एकदम से। वार्ड के पार्षद से आपने शिकायत की थी? वार्ड के पार्षद से अभी तो नहीं शिकायत किए हैं, क्षितिजमणि त्रिपाठी हैं। एक बार की थी तो वह बोले थे बनवाएंगे, अभी नहीं बना। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है।